हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को कालीबाड़ी हॉल शिमला में की गई। इस बैठक के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश इंटक के अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह रहे और बैठक की अध्यक्षता महासंघ के प्रधान उमेश शर्मा ने की। बैठक में पूरे प्रदेश से आए हुए संगठन के प्रतिनिधियों ने इंटक द्वारा परिवहन मंत्री और निगम के प्रबंध निदेशक को सौंपे गए मांग पत्र पर चर्चा के लिए समय प्रदान न करने के लिए निंदा की और ये निर्णय लिया कि महासंघ इंटक परिवहन कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी आगामी संघर्ष शुरू करने से पहले प्रबंधन और मंत्री महोदयों को एक बार पुनः चर्चा के लिए समय प्रदान करने का अनुरोध करेगा। संगठन के सभी सदस्यों ने निगम में अनुबंध 3 साल पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने व चालक परिचालकों का लंबित अधिक समय भत्ता और रात्रि भत्ता तथा निगम के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता व अंतरिम राहत अन्य सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर तुरंत प्रदान करने की मांग की। मैं बाबा हरदीप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष इंटेक। आज इंटेक की हमारी जो HRTC की फेडरेशन है, इस फेडरेशन की कार्यकारिणी की बैठक जो है यहाँ कालीबाड़ी में आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे जो है निमंत्रण दिया गया और ये जो HRTC फेडरेशन है इसके अध्यक्ष हमारे उमेश शर्मा जी जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से ये अध्यक्ष हैं और इस फेडरेशन को प्रदेश भर में लगभग हमारे जो 17 डिपू हैं हर ज़िले में वहाँ से हमारे कार्यकारिणी के लोग जो है आज इस मीटिंग के लिए यहाँ शिमला पहुँचे हैं। यहाँ ये जो बैठक है ये बैठक मुख्य रूप से HRTC में जो आज HRTC फेडरेशन की तरफ से इंटेक फेडरेशन की तरफ से जो हमारा एक जॉइंट मेमोरेंडम जो है MD HRTC को दिया गया जिसमें विभिन्न यूनियंस विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा करने की मांग जो है वो हमने जो है मैनेजमेंट से उठाई है। उस पर हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट जो है जल्द से जल्द HRTC के हमारी फेडरेशन को हमारी इस कार्यकारिणी को चर्चा के लिए बुलाए और इन मुद्दों पर जो है इनसे जो है विचार विमर्श करें और इन मुद्दों को निपटाने का काम करें। इसके अलावा हमारी HRTC की जो ये फेडरेशन है इसका चुनाव जो है वो पेंडिंग है और चुनाव जो है वो ड्यू है और इस चुनाव को लेकर भी जो है इस कार्यकारिणी की बैठक में जो है चर्चा की गई है और आने वाले समय में HRTC हमारा जो रोडवेज विभाग है यहाँ पे विभिन्न यूनियंस चाहे वो इंटक की हो, BMS हो, इंटक हो, ड्राइवर कनेक्टर यूनियन हो, इन सभी यूनियंस की जो एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बननी है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को किस तरीके से रूपरेखा दी जाए, उसमें शामिल इंटक के लोग शामिल हों ना हों, उस पर भी जो है चर्चा आज इस बैठक में जो है वो की जानी है। मुझे विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर हम सभी लोग जो कार्यकारिणी के HRTC के हमारे जो लोग हैं इस फेडरेशन के साथ जुड़े हैं जो विभिन्न